हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तारीख है 23 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के 6:10 हो रहे होंगे। और जैसा कि कल पूरा दिन बारिश हुई थी और आज सुबह भी बारिश हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रही है ये इतनी बारिश। मुझे लगता है कि पूरा बल्लभगढ़ फरीदाबाद डूबने वाला है। अपना घर पे रहें, सतर्क रहें और सेफ रहें। और आज मैं सुबह उठी हूँ तो वर्कआउट तो करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी कार्डियो की बेस्ट 3 एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ रिसेंटली अभी फ़िलहाल। और मुझे उससे फ़र्क भी दिखा है, जल्दी आपका भी फैट लूज होगा, करिएगा ज़रूर, सिर्फ देखना मत करना भी। मैं अब आपको बताती हूँ पहली एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम है स्पाइडर जंप, और जो कि जिसकी आपकी 20 रेपिटेशन करनी है और 4 सेट लगा देना। तो मैं बताती हूँ कैसे करनी है। जो आपका पैर आएगा ना, या तो हाथ के पास लेके आना या अपने दोनों हाथ से बीच में, ये जो दोनों हाथ रहेंगे हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ना ज़्यादा ना कम, हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग। मेरा सुबह का वर्कआउट हो गया है और सुबह मैं कार्डियो और एब्स करती हूँ। And I am feeling very very good. वर्कआउट करने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग आती है भाई, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द है ना वो एक तरफ, और आफ्टर वर्कआउट फीलिंग एक तरफ। सही बोल रहे हो, ट्राई करके देखना, अगर ना हो तो बताना। तो गाइज, अब मैं ले रही हूँ अपने दिन की पहली मील, और उसमें है कुछ बादाम और प्रोटीन। फिर इसके बाद मैं जो लूँगी वो मैं बता दूँगी। और ड्राई फ्रूट्स आप रात को भिगो के, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं आप, अगर बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, तो उनको ऐसे ना खाएं, उनको भिगो के, रात को भिगो के और सुबह खाएं तो ही बेहतर है। भाई साहब इतनी नॉलेज है ना मेरे को, इतनी नॉलेज है, मैं बता बता के नहीं थकूँगी, तुम सुनते सुनते थक जाओगे। गाइज, कल पूरे दिन बारिश होने के बाद फाइनली थोड़ा आसार है धूप निकलने का। और ये देखिए हमारा कमेरा लड़का इतना, हाँ वो तो ठीक है, और ये जैसे यहाँ पूरा गीला हो गया ना तो हर्ष चौक साफ करेगा। गाड़ी स्टार्ट कर, एक तो तेरी तारीफ कर रही हूँ मैं, है देख तू तो शर्मा क्यों रहा है, तू व्लॉगर है, तू भूल गया क्या तू भी व्लॉग करता था पता नहीं, चलो कोई नहीं, इसको इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, खुलेगा पर ये धीरे धीरे व्लॉग में, ये भूल चुका है कि ये व्लॉगर था। ओए गटर गटर नीचे गिर गया, आता कैसे देखा है ही ना, यार ढक्कन कहाँ गया, मुगा बताओ, अरे हमको गिर सका है भाई, यार ढक दे, भरा और काई ढक दिया किसी कुछ से। और यहाँ हमारा भूस रखा होता है भैंस का, और ये भी बारिश से टूट गई, पता नहीं क्या है, कैसे टूट गई कुछ नहीं पता, भूस भी गीला हो गया। गाय ने छोड़ने से ला दिया।
चढ़ के सब पेड़ में खाए छुट्टी रखे ना दिन रात गोबर कर गई अब चढ़ चढ़ खा रहे जब एकदम आठ हो जब आए सब कैसे मैं चढ़ चढ़ के पौधा ना खा रही है इन्हें बांध के ना रख सको सबने पौधा खा लिया ठीक क्या क्या ही बच गया गिट्टी क्या गोबर करे सानी करे हम तो आए द्वार पे खा रही हूं बीच बीच करो दरिया खाए आए हमने कब ना पौधा ना खा रही हूं हम तो कल हूं ना खाना आए लड़ना लड़ना रे कह रहे हम नहीं लड़ना कर दे कैसे कह रहे हम भी हम कहां गए दरिया खाए आए पूरा बीच करो दरिया खाए गए वो हम नहीं कही रोज हमने कल हूं खाना आ जाएंगे वैसे उनसे कंप्लेंट करेंगे तो निकालने आपके वैसे भीतर के तो जाम ना होगी कहाँ करनी पड़ा कंप्लेंट आऊंगा पूछ तुम इसका एक चीज के लिए तैयार हो रही हो कहीं जंग पे जा रही होगे तुम हम हड़बड़ पे जा रही है तुम लड़वा दे सुबह सुबह और अमर लड़ना नहीं तुम क्या ये ऐसे कैसे तैयार हो रही हो ऐसे कवर क्यों कर रखा अपने चुप रह जा जिंदा आयु पर यार मैं अपने हाथ पर रखूंगी ना इसके हाथ चिपक जाएंगे मेरे छोड़ छोड़ ओ भाई चुभ रहे चलो पागल है मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ चल मैं इसे आजाद कर देती हूँ बारिशों में ना कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं और मैं एकलौती तो नहीं होंगी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी बट मेरे नॉन में तो सिर्फ मैं ही कॉकरोचों से सुरभी इतना डरती है छुपकली से भी सुरभी डरती है कीड़ी भी डरती है मैं चूहे पकड़ लेती हूँ और मैं सब कुछ पकड़ लेती हूँ और खा भी ले यार तू देख 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 डैनी देख यहाँ से बाहर देख रहा है क्या देख रहा था डैनी क्या नाश्ता का नाश्ता अपना तो ब्रेकफास्ट कर लिया मुझे तो करने दे भूखा क्या चाहिए हाँ भैया यूं ना रुके कोई सवाल ही पैदा ना है यूं हमारे शहर है डुबा के ही मानेगी थोड़ी देर को सूर्य देवता निकले पर इंद्र देवता ने निकल ना दिए और ये बारिश एंजॉय करता हुआ हर्ष जाट हाँ कर टिप टिप बरसा यहाँ पर बारिश हो रही है ये देखिए आप डंडा लगेंगे जुकाम है मैं सच में बोल रही हूँ मम्मी सच में तेरे को जुकाम हो जाएगा और तू हम सब के कर देगा यार वैसे मस्त लग रहा है एकदम क्लियर वीडियो आ रही है और इतना ग्रीन रील बनाऊं तेरी कैसे अंदर नहीं जाना डैनी अंदर नहीं जाना पूरा गीला होके घर गंदा कर देगा गेट लगा रही हूँ मैं और गेट मत खोलियो अंदर नहीं आना अब तुझे गीला हो गया पूरा बाहर ही रह इधर तो मुँह कर रहा है
अरे देन ये तो देखो यू भी तो पूरा शैतान है। तो क्या है गाइस, मैं काम कर रही हूँ। पता है गाइस को कि मैं कितना काम करती हूँ। वो भक्का जा रहा हूँ। जा मैम, मेरी गलती, अनुपमा गलती। मैं काम करके नहा धो के रेडी हूँ, तो आज मैं लंच में खाऊंगी, मेरा मन है फ्राइड राइस खाने का। मम्मी बना रही है उसकी सब्जी, वो हम बैंगन के भरते की सब्जी। तो मैं रोटी नहीं खाती अभी फिलहाल, मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे चल रही हूँ 4 अक्टूबर तक। वो मैं आपको पता चल जाएगा क्यों, अगर ब्लॉग में बने रहेंगे तब मैं कहीं जाने वाली हूँ वो पता चल जाएगा। और चलो मैं ना मम्मी से बोल के देखती हूँ, मम्मी प्लीज़ मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो, उनके रिएक्शन देख रही हूँ कि वो क्या। मम्मी मेरे लिए फ्राइड राइस बना दोगी? शाम को बनाऊंगी, अब लेट है रे। शाम को मैं खाऊंगी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही बना लूंगी। मैं भी खाऊंगा पीछे कैसे। हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने कुकर में चावल बनाने के लिए रखे थे, बट लाइट ही नहीं आ रही है। तो फिर मम्मी भी कह रही है कि शाम को वो बनाएंगे चावल, सब खाएंगे, तो फिर शाम को ही खाएंगे फिर हम चावल। अब मैं यहाँ बैंगन का भरता बन रहा है, तो बैंगन के भरते के साथ एक रोटी सलाद और छाछ पी लूंगी। ठीक है रेडी। पहले मैं खाऊंगी खीरे, फिर उसके बाद ये एक रोटी और सब्जी और ये है और सीधे लगा बना रही है छाछ। क्या कह रहा है? सीधा सीधा ही तो मतलब अरे रोटी क्या सीधे बना ली? पता नहीं, मैं एडिट कर लूंगी और बस। अब मेरा ये रोटी खा रही आपको यार, बस बहुत लंबी कहानी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो ये सारे सो रहे हैं, मैं अब क्या ही करूँगी, तो मैं भी सो जाती हूँ। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। पाँच बज रहे। माता अरुंधति, राम जी की कौन है, भगवान राम की कौन है ये गुरु माता, भगवान राम जी की कौन है? मुझे तो ठंड लग रही है भाई, अब ठंडी शुरू हो जाएगी, मजा आएगा वर्कआउट करने में। और मौसम भी आज भी हुई थी बारिश, देख लिया होगा आपने, आप अपने घर में ही देख लिया होगा, मेरे ब्लॉग में क्या देखा होगा। पता नहीं कब तक ये मौसम खुलेगा, वैसे हवा चल रही है, देखो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलो ठीक है, अभी 5 बज रहे हैं और मैं वर्कआउट करूँगी, फिर उसके बाद प्रोटीन पीऊँगी, फिर उसके बाद अब मम्मी, आज मेरे नसीब में ना फ्राइड राइस खाने हैं ही नहीं,
वो राइस जो मैंने रखे थे वो बॉयल तो हो गए, तो मम्मी कह रही है अब इन्हें फ्राई क्या करूँ, कढ़ी छाछ रखी है कढ़ी बना लेती हूँ तो कढ़ी चावल खा लियो। मैं कहा यार चल ठीक ही है, मतलब होता है ऐसा कि हम सोच लेते हैं ये चीज़ कि हम ये चीज़ होगी या ये चीज़ प्लान करेंगे करेंगे, लेकिन वो है ना ऊपर वाला जो उसने ठान लिया ना, उसने ठान रखा था नेहा को फ्राइड राइस नहीं खाने, तो नहीं खाने दिए। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। क्या गाइज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट डाउन, कमेंट करके मुझे बताओ। और आपने मेरा कल वाला ब्लॉग भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। शायद मैंने इतने दिनों बाद डाला इस वजह से व्यूज़ और इतने लाइक्स नहीं आ रहे। प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग, वीडियो को लाइक करो शेयर करो। और आप अगर देख रहे हो आपको मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और जिन्होंने कमेंट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक्स भी किया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही मुझे प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को शेयर करें और खूब सारा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच। और मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।